हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल माय स्टडी क्लासेस में आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर थर्टीन जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करेंट्स इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है कि मैग्नेट क्या है तो मैग्नेट इज़ अ सब्सटेंस डेट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटांसेज तो जो कुछ भी सब्सटांस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या आयरन जैसी कोई चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो मैगनेट है तो मैगनेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी एवरी मैगनेट हैज़ टू पोल्स हर मैगनेट के पास दो पोल होंगे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लाइक पोल्स रेपल ईच अदर मतलब नॉर्थ नॉर्थ आपस में रेपल कर जाएंगे अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल को आपस में ले आओगे तो एक लेफ्ट की तरफ भागेगा और एक राइट right की तरफ अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स नॉर्थ और साउथ जो होंगे वो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैगनेट अलाइंग इट सेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन जो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैगनेट है अगर इस बार मैगनेट को जो ये डायग्राम में दिख रहा है अगर इसको थ्रेड से बांध के अगर खड़ा करें तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा ये नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ ठीक है इसका नॉर्थ पोल जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा साउथ पोल जो होगा वो साउथ डायरेक्शन दिखाएगा तो सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फील्ड द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो जितना भी मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स प्रेजेंट है उस एरिया को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स महसूस किया जा सकता है एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ऐसा यूनिट क्या होती है टेस्ला टी और मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है उसमें डायरेक्शन भी है क्यों क्योंकि नॉर्थ साउथ हम उसके अंदर दिखा रहे हैं मैग्नीट्यूड है क्यों क्योंकि कोई नोमाइकल वैल्यू उसके अंदर एसोसिएटेड होगी मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं जो नीडल होगी मैग्नेटिक कम्पास की वो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ही होती है जो ये हमारा कम्पास होता है इसके अंदर जो नीडल प्रजेंट होती है वो एक्चुअली मैग्नेटिक कम्पास के अंदर क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड से ही हेल्प लेके वो बनी है उसका आइडिया वही है और जो निडल है वो फ्रीली सस्पेंडेड एक बार मैग्नेट ही होती है जो निडल है वो एक बार मैग्नेट ही है जो फ्रीली सस्पेंडेड क्यों क्योंकि बीच से अटैच है और बाकी दोनों पोल से वो फ्री होती है अब करेक्टरिस्टिक क्या है फील्ड लाइंस के फायद करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है तो फील्ड लाइन अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंड इन साउथ पोल अगर ये फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं ये हमारी बार मैग्नेट है ये हमारा नॉर्थ शो कर रहा है ये हमारा साउथ शो कर रहा है तो फील्ड लाइंस ये होती हैं जो इसके चारों तरफ हमें दिखेंगी नहीं पर प्रेजेंट होती हैं ये मैग्नेटिक फोर्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है इस तरह का तो ये नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर एंड हो जाती है इस तरह का डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल से शुरू साउथ पे एंड फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो क्लोज्ड कर्व होती हैं पूरी बंद होंगी ये खुली भी नहीं होती चारों तरफ से बंद होती है क्यों क्योंकि एक सर्कुलर लूप की तरह बनती जा रही है फील्ड लाइंस आ क्लोजर इन स्ट्रॉगर मैग्नेट। जितना स्ट्रोंग हमारा ये नॉर्थ साउथ वाला मैग्नेट होगा बार मैग्नेट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी फील्ड लाइन्स जो होंगी वो आपस में होंगी पास पास इस तरह से पास पास में होंगी फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर हर एक जो लाइन होगी वो सेपरेट सेपरेट होगी एक दूसरे को टच नहीं करेगी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी काटेंगी नहीं कोई भी दो लाइंस फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी देर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल क्यों क्योंकि वहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ही पॉइंट दो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाए एक पॉइंट है उसका एक नॉर्थ पॉइंट दिखेगा, दिखेगा तो एक साउथ पॉइंट दिखेगा तो इसलिए फील्ड लाइन्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं द डायरेक्शन ऑफ फील्ड lines इनसाइड अ magnet इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फील्ड lines जो हैं वो हमारी बनी तो नॉर्थ से साउथ की है लेकिन जो डायरेक्शन देखेंगे फील्ड जो magnet के अंदर होती है जो हमें बाहर दिख रही है वो क्या दिख रही है हमें नॉर्थ से साउथ दिख रही है फील्ड लाइन की डायरेक्शन बट इनसाइड magnet क्या है वो नॉर्थ से साउथ बनी और magnet के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाएगी ये समझ आया कि ये अगर हमारी magnet है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो फील्ड लाइन्स हमें जो बाहर दिखती हैं वो नॉर्थ से शुरू होती हैं साउथ पर ख़त्म होती है बट फिर वो साउथ से एंटर मैग्नेट के अंदर करती है और नॉर्थ की तरफ आती है तो मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ जाती है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस शॉन बाई डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस जितनी पास पास ये फील्ड लाइंस होंगी एक दूसरे के उतनी ही ज़्यादा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी कोई जैसे कि ये हमारी दो बार मैगनेट है एक ये दूसरी ये इसमें बस इतनी ही फील्ड लाइंस शो हो रही हैं और इसमें और ये सारी आपस में पास पास में है ये जबकि बहुत ही खुली खुली थी हैं तो कौन सी ज़्यादा स्ट्रोंग होंगी ये वाली जो बार मैग्नेट है ये हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्यों क्योंकि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं उनकी क्लोजनेस ज़्यादा है वो ज़्यादा पास पास में है जबकि एज़ कम्पेयर टू ये वाला जो हमारा बार मैग्नेट है इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो आपस में क्लोज नहीं है बहुत ही डिस्टेंस पे हैं तो ये वाली वीक होंगी और ये वाली स्ट्रॉन्ग हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट जो हमने ये भी शो करा कि नॉर्थ से अराइज़ होंगी साउथ पे एंड होंगी और बार मैग्नेट के अंदर साउथ से एंटर होगी और नॉर्थ पे ख़त्म होगी एच सी ऑस्टर्ड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट डेट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड एच सी ऑस्टर्ड जो था ये सबसे पहला पर्सन था जिसने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है वो भी इलेक्ट्रिक करंट अगर ये फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह से ढूंढते हैं जब किसी करंट के चारों तरफ हमने देखना हो तो उसके लिए हम राइट हैंड थम रूल का यूज़ करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच डेट थम इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड देन द फिंगर्सड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमने क्या करना है कि हमने राइट right हैंड लेना है उसके थम को और उसे एक रिस्ट को बंद कर लेना है अपनी पंच बना लेना है जिसके अंदर हमारा जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा और जो हमारी बाकी फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगी मींस अगर करंट हमारा नीचे की तरफ में दिखा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ में जाएंगी लेफ़्ट साइड जाएंगी इफ़ हमारा करंट जो है वो अपर साइड में शो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो राइट right साइड में शो करेंगी तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर जब हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर ये प्लेट हमारी कंडक्टर हो गई यहाँ से एक करंट जा रहा है इसके अंदर तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स इसके ऊपर ऐसे एक के अंदर एक लगातार सर्कल्स बन रहे हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड थंब रूल या कंपास से हम निकाल सकते हैं जो कंडक्टर होगा उसके पास हमारी सर्कल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और पास पास होंगे जो सर्कल्स होंगे वो पास पास होंगे तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि जितने मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द करंट मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी मींस करंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है अगर करंट की स्ट्रेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनेंगे उस जगह पर और दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्राम कंडक्टर कि जितना दूर डिस्टेंस होगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी अगर मैग डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर अगर ये डिस्टेंस कंडक्टर से कम होगा तो मैग्नेटिक फ़ील्ड अपने आप ज़्यादा होंगी और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ़ील्ड अपने आप ही कम हो जाया करेगी अब आता है मैग्नेटिक फ़ील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर था अब वो स्ट्रेट कंडक्टर एक सर्कुलर लूप में बदल दिया जाए तो तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट तो वहाँ पे भी वही कंसेंट्रिक सर्कल से ही शो कर सकते हैं हम सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे और जितना दूर हम जाते जाएंगे इस केस के अंदर जितना हम दूर जाते जाएंगे सर्कल्स उतने ही बड़े बड़े होते जाएंगे एट एवरी पॉइंट ऑन अ वायर करंट विल बी गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड जब भी उस वायर में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो अपेयरिंग है अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप मीन्स एवरी पॉइंट उस वायर पे हर एक पॉइंट पर करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और इट अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर और सेंटर में क्या होगा वो स्ट्रेट लाइन की तरह शो करेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप इज़ ऑलवेज सेम कि जो लूप के अंदर जो डायरेक्शन होगी मीन्स इस हिस्से के अंदर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम रहेगी जैसे कि ये हमारा लूप हो गया जो हर पॉइंट होगा यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड को अराइज कर रहा है हर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जितनी भी अंदर की तरफ होगा इनसाइड अ लूप जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम रहेगी और कि सेंटर के वक्त में कि सर्कल्स बिकम लार्जर एज वी मूव अवे जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे सर्कल्स जो है वो हमारे उतने ही बड़े उतरेंगे जो हमारे यहाँ वाले हिस्से में इस पॉइंट में इस पॉइंट में क्या है सर्कल्स जो हैं वो पास पास में और जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहा है सर्कल्स उतने ही बड़े होते जा रहे हैं सेम है इसके यहाँ पर सर्कल पास में और जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है वैसे वैसे सर्कल्स और बड़े होते जा रहे हैं लेकिन सेंटर में जो होगा वो जो सर्कल्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन में बदल जाएंगे मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो स्ट्रेट हो जाएगा बीच में और जो सेंटर में जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप वो इज़ ऑलवेज सेम जो डायरेक्शन होगी इनसाइड द लूप में मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम हो जाया करेगी अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा उस कंडक्टर में से अगर करंट बढ़ रहा है उस कंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो कम होते जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इफेक्ट होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा अपने आप फिर होता है मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉल्स इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल कि जितना टर्न होगा वो कॉल जैसे ये कोयल है कोई और इतना वो अंदर में उसके अंदर टर्न्स है जैसे वन टर्न टू एंड थ्री तो जितने टर्न्स होते रहेंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही बढ़ती जाएगी क्योंकि जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बनती जाएगी उतने लूप्स बनते जाएंगे और and magnetic field is additive in nature. Additive means magnetic field of one loop add up the magnetic field of another loop. जो एक magnetic field इस loop की होगी, वो दूसरी loop की magnetic field के साथ attach होएगी. दूसरी की तीसरी loop के साथ और तीसरे की fourth loop के साथ अपने आप ही attach होती जाएगी, mix होती जाएगी उसकी magnetic field के साथ. तो इससे हम बोल सकते हैं magnetic field is additive in nature. This is because करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज डायरेक्शन क्योंकि जब करंट जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक में करंट किसी डायरेक्शन में है फिर यहाँ पे क्योंकि हम राइट एंड थंब रूल से देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ में आ गई मींस इस तरफ में आ गई और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगी हमारी वो इस तरफ में आ जाएगी तो डायरेक्शन चेंज होते जाएगा सेम फिर करंट की डायरेक्शन बदली तो जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन बदलती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इसलिए एडिटिव नेचर की होती है कि वो सारी फिर आगे की लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड को अटैच कर लेगा ऐड करता जाएगा फिर अब यहाँ पे बात आती है सोलिनोइड क्या होता है तो सोलिनोइड इट इज़ अ कॉयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म तो ये क्या होता है सर्कुलर टर्न्स होते हैं कोई कॉयल के लगातार सर्कुलर टर्न्स होते हैं किसके इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब बार बार लपेट दिया जाता है जैसे कि ये हो गया कि इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया उसे कॉयल कर दिया एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसे चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनोइड सोलिनोइड के अंदर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो एक जैसा ही रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा आया आया गया आया, गया एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस उसके अंदर पैरेलल होंगी चारों तरफ जो है वो सर्कुलर होंगी बट इनसाइड द सोलिनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी पैरेलल होंगी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बाहर की बात करें तो वो नॉर्थ टू साउथ होगी सेम जैसे मैग्नेटिक फील्ड का पड़ा था आउटसाइड द सोलिनोड जो है वो नॉर्थ टू साउथ होगी बट इनसाइड द सोलिनोड क्या होगा वो साउथ टू नॉर्थ जाया करेगी ठीक है आउटसाइड द सोलिनोड वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रही है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ आएगी सोलिनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन सोलिनोइड का यूज़ क्या है ये एक सॉफ्ट मेट आयरन जैसे मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन इसको मैग्नेटाइज करने के काम आता है इसको चुंबक वाली शक्ति देने के काम आता है तो सोरेन्ट से हम किसी को मैग्नेटाइज कर सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को चाहे लाइक सॉफ्ट आयरन तो ये इसका यूज़ हो गया अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच का डिफरेंस तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्प्रेरी मैग्नेट सो उसको आराम से डी कर दिया जाता है मतलब उसकी अट्रैक्टिव पावर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्यों क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट जो है उसको आराम से उसका डी नहीं हो पाता उसकी अट्रैक्शन पावर जल्दी ख़त्म नहीं होती इलेक्ट्रो की स्ट्रेंथ कैन बी वाइड वो बदल जाती है क्यों क्योंकि वो डी हो सकता है परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो फ़िक्स रहेगी क्योंकि वो आराम से अट्रैक्शन पावर लूज़ नहीं करता पो इलेक्ट्रो के अंदर पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड नॉर्थ टू साउथ साउथ टू नॉर्थ कभी भी बदला जा सकता है परमानेंट मैग्नेट में वो कैन नॉट बी रिवर्स वो फिक्स होती है उसकी पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बोल सकते हो क्यों क्योंकि कुछ टाइम के लिए इसकी मैग्नेटाइजेशन पावर रहती है पर परमानेंट मैग्नेट की यूनिफॉर्म रहती है इसलिए यूनिफॉर्मली वो जनरली वीक मैग्नेट हो जाती है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड अब क्या फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे अप्लाई होता है जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उस पर क्या फ़ोर्स लगेगा तो एंड्री मेराई एम्पेयर सजेस्ट डेट मैग्नेट आल्सो एग्ज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर तो एंड्री मेराई एम्पेयर ने क्या सजेस्ट किया कि जो मैग्नेट है वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज मैक्सिम एन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इज़ एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ कंडक्टर कब किया जा सकता है वो सबसे ज़्यादा तेज कब होगा जब डायरेक्शन जो होगी करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी और वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के राइट right एंगल पे होगा तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट सबसे ज़्यादा पाई जाएगी डायरेक्शन ऑफ़ फ़ोर्स इज़ रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ़ोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी या मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो रिवर्स किया जा सकता है अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दें कि करंट की डायरेक्शन अगर फोर्स की डायरेक्शन सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर नीचे की तरफ में है तो फोर्स भी इस तरफ में होगा अगर हम यहाँ की तरफ में करंट की डायरेक्शन कर देंगे तो मैग्नेटिक फ़ील्ड भी इसी जगह अप्लाई होगी तो जो डायरेक्शन है किसकी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो रिवर्स की जा सकती है जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को बदल दें फिर आता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है इसके अंदर करते क्या सबसे पहले स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच डेट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपने लेफ्ट हैंड का थंब फोर फिंगर और जो मिडिल फिंगर है उसको इस तरह करना है कि एक वो तीनों की तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्टेट में पहुंच जाए ये इसके परपेंडिकुलर बन जाए ये इसके परपेंडिकुलर बन जाए देन इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फ़ील्ड को रिप्रेजेंट करती है मिडिल फिंगर उस वक्त डायरेक्शन ऑफ करेंट शो करती है तो थम्प जो है उसका क्या डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा मीन्स हमारी फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी हमारी जो मिडिल फिंगर है वो हमारी करंट को रिप्रेजेंट करेंगी और जो हमारा थंब होगा वो हमारा मोशन या फोर्स को रिप्रेजेंट कर पाएगा तो इससे हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड मोशन या फोर्स करंट का अप्लाई कर सकते हैं अब हमारा आता है मेन टॉपिक डेट इज इलेक्ट्रिक मोटर तो इट इज़ अ मोटर डेट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट ये एक मोटर होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस हो गए हमारे वॉशिंग मशीन हो गए रेफ्रिजरेटर मिक्सर ग्राइंडर अदर अप्लाइंसेज इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा जो पेपर में हमें लिखने को आता है डेट इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो करंट पास होता है इलेक्ट्रिक मोटर में से उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं वो उसका यूज़ करता है इट वर्कस ऑन द प्रिंसिपल दैट जब भी रेक्टेंगुलर कोयल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रो इट इट टॉर्क एक्ट एज अ अयल विच रिटोट इट कंटिन्यूसली मतलब जब भी कभी एक रेक्टेंगुलर कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और करंट उस मैग्नेटिक उस रेक्टेंगुलर कोयल में से पास किया जाएगा तब टॉर्क ऑन द कोयल टॉर्क एक्ट होगा टॉर्क होता है फोर्स उस वक्त फोर्स उस कोयल पे एक्ट होगा जिससे वो कोयल जो है हमारी रोटेट करने लगेगी व्हेन द कोयल रोटेट द शाफ्ट टू इट आल्सो रोटेट तो जब कोयल रोटेट करेगी हमारी रेक्टेंगुलर कोयल तो शाफ्ट भी रोटेट करेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द मोटर इज़ कन्वर्टिंग इन मैकेनिकल एनर्जी उससे जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी तो सबसे पहले मोटर बनती कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है मोटर का सबसे पहले हमारे को ज़रूरत है उसकी आर्मेचर कोयल की डेट इज़ अ इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोयल ए बी सी डी ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन आर कोल्ड एयर आर्मेचर जैसे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे मेन होता है उसका रेक्टेंगुलर कोयल जो कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना होता है और वो चारों तरफ किसके होता है सॉफ्ट आयरन के उसे आर बोलेंगे उसके बाद हमारको एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की ज़रूरत होती है कोयल इस प्लेस बिटवीन टू पोल्स ऑफ आर स्ट्रॉन्ग मैगनेट आर ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैगनेट जो हमारी रेक्टेंगुलर कोयल बनेगी उसको हम किसके बीच में रखेंगे उसको हम उन दो पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे जिससे कि जो कोयल ए बी और सी डी का पोल है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिर आता है स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर

एक कोयल रेक्टेंगुलर कोयल ए बी सी डी उसके बाद हमारा आता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम अटैच करेंगे उससे यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो उसके बीच में रखा जाता है ये हमारा स्प्लिट रिंग हो गया पी एन क्यू जिसका काम किया है हमारा रोटेट करने का करंट ऑफ डायरेक्शन को रोटेट कर देने का ये हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस बन गया तो एक बार फिर से देखते हैं उससे पहले एक और और भी पार्ट्स होते हैं जैसे ब्रशेस हो गए टू कार्बन ब्रशेस यहाँ पे ध्यान से देखो ये छोटे छोटे जो हैं टू कार्बन ब्रशेस एक्स एंड वाई प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर जो कम्यूटेटर के साथ ही लगे होते हैं दीज ब्रशेज़ एक्स एज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी तो ब्रशेज़ का क्या काम होता है ये कम्यूटेटर और ये जो वायर है हमारी जो बैटरी से अटैच है उसके बीच में एक कॉन्टैक्ट बनाता है उसे अटैच करके रखता है फिर आता है बैटरी दैट इज़ इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेज इट इज़ सप्लाइड करंट टू द अनमेचोर कोयल इसका काम क्या है बैटरी का करंट की सप्लाई करना एंड करंट इन द कोयल ए बी सी डी एंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रो कंडक्टिंग ब्रशेज एक्स एंड फ्लो बैक्स टू द करंट बैटरी थ्रो ब्रशेज वाई कि यहाँ से हमारा करंट पास होगा एक्स से और वाई से वो अटैच हो जाएगा वाई से वो वापस बाहर निकलाएगा तो यहाँ पर अब इसका डायग्राम समझते हैं तो सबसे पहले हमारे क्या होगा एक रेक्टेंगुलर कोयल होगा ए बी सी डी उसके बाद हमारे को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसके दो पोल्स के बीच में हमारा स्ट्रॉन्ग मैग ये रेक्टेंगुलर कोयल प्रेजेंट होगा ठीक है उससे हमारे स्प्लिट रिंग्स अटैच होंगे स्प्लिट रिंग्स क्या हैं ये अटैच करते हैं और ये रिवर्स कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करेंट को स्प्लिट रिंग्स के साथ एक ब्रशेज अटैच होंगे एक्स और वाई पे ये क्या करेंगे ये कम्यूटेटर जो हो गए हमारे स्प्लिट रिंग्स जो हो गए और ये हमारा जो बैटरी हो गया उससे कनेक्ट करेंगे किसको तो ये ब्रशेस का काम क्या है कम्यूटेटर और बैटरी को अटैच करके रखने का बैटरी का क्या काम है करंट सप्लाई करने का ठीक है ये सिंपल पांच डिवाइसेस को मिला के हमारा एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर तैयार होता है अब वर्किंग ऑफ अ मोटर ये मोटर काम कैसे करती है तो व्हेन करंट फ्लोस थ्रू कोयल आर्म ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंस और मैग्नेटिक फोर्स जब भी कोयल से करंट पास होगा तो हमारी जो कोयल में ए बी और सी डी आर्म होगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ़ोर्स प्रेजेंट होगा तो जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इज टू डाउनवर्ड और सी डी एक्सपीरियंस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन तो ये हमारी आर्म हो गई ए बी और ये सी डी तो जब भी यहाँ से करंट पास होगा तो इसको मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्सपीरियंस होगा और ये जो ए बी आर्म होगी वो यहाँ की तरफ में जाएगी डाउनवर्ड की तरफ में जाएगी और सी डी जो है वो अपवर्ड की तरफ रोटेट होके अपवर्ड फॉर्म में आ जाएगी वो अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगेगा तो बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ए बी और सी डी पे वो दोनों के दोनों इक्वली लगेंगे पर अपोजिट होंगे एक अपवर्ड की तरफ में दूसरा डाउनवर्ड की तरफ में एंड टू एंड इक्वल एन अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एम एच ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कपल एंड रोटेट द कोयल इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो हैं वो डिफरेंट पोजिशन पर लगेंगे उस कॉल के अंदर जिसकी वजह से कपल बनेगा और वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में शुरू करेगा क्लॉकवाइज होती है ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है दिस डायरेक्शन मीन्स कोयल जो है वो इस तरह से रोटेट होगा इस तरह की डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश एक्स एंड पी विद ब्रश वाई नाउ द करेंट इन द कोयल गेट रिवर्स एंड फ्लो अलोंग द पाथ डी सी बी एस इसके अंदर क्या है जब हाफ रोटेशन हो जाएगा उसी वक्त ही जो क्यू है वो एक्स ब्रश के साथ मिल जाएगा मीन्स कम्यूटेटर का जो क्यू हिस्सा है वो एक्स के साथ मिलेगा पी जो है वाई की तरफ मिलेगा और कम्यूटेटर का काम क्या होता है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको रिवर्स कर देने का तो जो करंट इन द कोयल होगा वो रिवर्स हो जाएगा और फ्लो कब चलेगी अब ए बी सी डी से ना होकर डी सी बी ए से होगी मीन्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव होगा एंड द आर्म ए बी ऑफ द कोयल डेट वॉज अर्लियर पुश डाउन इट्स नाउ पुश्ड अप जो पहले आर्म ए बी जो थी वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी पर हमने करंट जो है वो रिवर्स कर दिया वो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी और जो सी डी आर्म थी जो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी वो वापस अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाएगी फिर यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोज़िट फोर्स लग रहा है जब दो इक्वल एंड अपोज़िट फोर्सेस किसी बॉडी पे लगता है तो वो कपल जनरेट करता है और फिर ये कपल ना रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आधे में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है हाफ़ जो है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो रहा है और हाफ जो है वो क्लॉक डायरेक्शन में हो रहा है इन दोनों से द रिवर्सिंग ऑफ द करेंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन एंड गिव राइज टू अ कॉन्टीन्यूअस रोटेशन ऑफ द कोयल टू द एक्सल हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू मैकेनिकल एनर्जी ऐसे हाफ हाफ़ रोटेशन होते होते पहले अपवर्ड डायरेक्शन होती है फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है फिर अपवर्ड डायरेक्शन होती है फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है तो अगर ग्राफ देखें तो अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह से कंटिन्यूसली रोटेट होते होते यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अब इसके कमर्शियल यूजेस क्या है ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसका प्रिंसिपल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर तो सबसे पहले कमर्शियल मोटर यूज़ कर सकते हैं हम तो कमर्शियल यूज़ क्या है मोटर का सबसे पहले इलेक्ट्रो मैगनेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैगनेट ये इलेक्ट्रो मैगनेट फॉर्मेशन हो जाता है तो हम इलेक्ट्रो मैगनेट का यूज़ करते हैं परमानेंट मैगनेट का यूज़ नहीं करते अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द कोयल ये बहुत सारे टर्न्स होते हैं उस कोयल वायर में जिससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है और रोटेशन ज़्यादा होता है सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कोयल इज वाउंड प्लस कोयल इज़ कोल्ड अन अब वो एक सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं जिसके चारों तरफ हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लगाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे एम बोलते हैं दिस एनहेंस द पावर ऑफ मोटर इन सब का यूज़ करने की वजह से जो मोटर की पावर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है हार्ट और ब्रेन ह्यूमन ब्रेन हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड्स जो हमारा हार्ट और ब्रेन है और उसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होती हैं क्योंकि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दैट तो एम आर आई विच इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डेट वो क्या है इमेज ऑफ़ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैन बी ऑप्टेंड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट ऑर्गन्स तो एम आर आई जो टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होगा जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हो गई मेनली उसमें कौन है हमारे हार्ट और ब्रेन उसका हमारे को एक इमेज फॉर्मेशन हो सकता है क्यों क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गन जो प्रोड्यूस होती है उसका हम एक इमेज ले सकते हैं उन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक इमेज ड्रॉ होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं एमआरआई की तरह गैल्वेनोमीटर हो गया डेट इज़ द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन एन सर्किट इट ऑल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ दैट कर तो ये गैल्वेनोमीटर में भी यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर क्या होगा ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करेंट को डिटेक्ट करने के काम आता है किसी सर्किट के अंदर और करंट की डायरेक्शन को भी जाँचने के काम आता है